उत्तर प्रदेश सरकार का एक आदेश आया है कि झोला छाप गली मोहल्लों में नहीं कर सकेंगे प्रैक्टिस। गली मोहल्लों क्या है, वो कहीं भी प्रैक्टिस नहीं कर सकेंगे, लेकिन रोक नहीं होगी उन डॉक्टरों पर जिनके पास ये डिग्री है। उत्तर प्रदेश सरकार के बाद सहारनपुर प्रशासन स्वास्थ्य विभाग जो है सक्रिय हुआ है। कुछ गाँव में जाके कुछ दुकानों पर जाकर छापेमारी की गई है। किस तरह की छापेमारी है और किस तरह का आदेश है उत्तर प्रदेश सरकार से जो है मिला है और किस तरह की कार्रवाई की जा रही है, बात करेंगे, चर्चा करेंगे। हमारे साथ में मुख्य चिकित्सा अधिकारी प्रवीण कुमार जी हैं, डॉक्टर प्रवीण कुमार जी हैं, और कुछ लोग यहाँ पे आए भी थे, डॉक्टर लोग यहाँ पे आए थे कि उन्होंने बोला कि जो हम प्रैक्टिस क्यों नहीं कर सकते, कुछ लोग बाहर भी जमे हुए हैं। तो बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे इस विषय पर, जो किस तरह का आदेश है और क्या इसका फर्क पड़ने वाला है गाँव देहात के उन गरीब लोगों पर जो इन लोगों से अपना इलाज कर रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, सरकार का हमेशा से ये रहा है कि जनमानस का स्वास्थ्य हमेशा सही रहे, और उसमें चिकित्सक जो क्वालिफाइड हैं या रजिस्टर्ड हैं वो हमेशा से चिकित्सा पेशे में काम करते रहे हैं। लेकिन कुछ दिनों से देखने में आ रहा है कि कुछ जो अनक्वालिफाइड लोग हैं वो इस पेशे में आ गए हैं, और वो जनमानस के लिए और सभी के लिए स्वास्थ्य के लिए खिलवाड़ कर रहे हैं, जिससे कि कई बार जो है ना जनमानस की हानि भी होती है। तो वो हमेशा एक सरकार की तरफ से भी और हम लोगों की तरफ से भी ये प्रयास रहता है कि ऐसे लोगों पे अंकुश लगाया जाए, और जो क्वालिफाइड लोग नहीं है वो इस चीज़ में अपना भागीदारी ना करें, नहीं तो जो है ना कार्रवाई निश्चित है। डॉक्टर साहब, एक बात बताइए, आपने जो दो चीज़ें रखी हैं, एक तो जो है डिग्रीधारी क्वालिफाइड आपने बताया, एक अनक्वालिफाइड आपने बताया, क्वालिफाइड का मानक क्या है, किसको आपने माना है, कौन कौन सी डिग्री पे प्रैक्टिस की जा सकती है? क्वालिफाइड से मतलब ये है कि जो सरकार की तरफ से जिन डिग्रियों को मान्यता दी गई है, जैसे MBBS और ये सब डिग्री तो हैं ही, साथ में BMS है या BUMS है या BHMS है या डेंटल के जो है BDS है या MDS है, इस तरह की जो डिग्रियां हैं, और उनमें भी जो उस पैथी में साथ में रजिस्टर्ड हैं, उस जन मतलब जनपद में या राज्य में कार्य करने के लिए रजिस्टर्ड हैं, वो तभी क्वालिफाइड माना जाता है। लेकिन अगर इसमें भी कुछ लोग अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो वो भी जो है प्रैक्टिस करने के लिए अलाउड नहीं होते हैं। दूसरा ये कि जो जिस पैथी में उन्होंने क्वालिफिकेशन ली है या ग्रेजुएशन की है या अपनी डिग्री ली है, तो उन्हें उसी पैथी में कार्य करना चाहिए। सर, कल जैसे कुछ छापे मारे गए हैं सरकार के आदेश के अनुरूप, आपने छापे किन मानकों को लेकर आप छापे मारे हैं, क्या नहीं होना चाहिए, कितनी दुकानें आपके द्वारा सील्ड की गई हैं? देखो, कल ये हमने दो दुकानें सील की गई हैं, जिसमें शिकायत मिली थी कि भाई एक डॉक्टर है, उसके पास कोई डिग्री नहीं है। वहाँ जाके देखा तो उसने कोई बोर्ड भी जो है उस पर कोई डिग्री नहीं थी, और जैसे ही हमारी टीम गई तो उसमें दवाइयाँ ज़रूर मिली है, और जो उसके पास कोई किसी तरह का ना तो कोई क्वालिफिकेशन के कागज़ थे और ना ही कोई इस संबंधी कोई कागजात उपलब्ध थे। दूसरी जगह जो है जिस पैथी के वो डॉक्टर थे उनके पास दूसरी पैथी की चीज़ें मिली हैं, तो वो थोड़ा सा एक पैथी के हिसाब से डॉक्टर के हिसाब से वो उस कार्य करने में सक्षम नहीं होते हैं, तो इसलिए उनका भी कार्रवाई की गई है। सर, 11 ब्लॉक पड़ते हैं सहारनपुर जनपद में, और जो है हजारों गांव सहारनपुर जनपद में आ जाते हैं, पूरा फिल्ट्रेशन जो है कितने समय में हो जाएगा सरकार की जो मंशा है झोला छाप नहीं कर सकेंगे प्रैक्टिस, इस फिल्ट्रेशन को जो है CMO साहब जो है कितने समय में कर सकते हैं, और समाज को जो है धोखे में न रखा जाए, दवाई मिले तो किसी डिग्रीधारी से मिले, सरकार की मंशा के अनुरूप जाए, आप इस टारगेट को कब तक पूरा करने जा रहे हैं? देखो, ये लगातार कार्रवाई होती है, इसमें कोई समय सीमा का वो नहीं रहता है, लेकिन हमारा प्रयास है कि जो हमारी टीमें हैं वो जल्दी ही अपने अपने एरिया में जाके जो है ना कार्रवाई करेंगे, और जैसे ही सूचना मिलती है कि कोई इस तरह की हरकत कर रहा है तो उसमें कार्रवाई की कोशिश करेंगे। सर, कोई यह जागरूक नागरिक आपको सूचना देना चाहे और आप उसको गोपनीयता बनाते हुए उस पर कार्रवाई करना चाहे, कोई ऐसा नंबर आपके पास में है जो हमारे चैनल GD News के माध्यम से जो है
जनपद भर में संदेश चला जाए, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके जो डिग्रीधारी नहीं है, झोला छाप जिनको कहा जाता है, ऐसा कोई नंबर अगर आपके पास है तो आप जैसे शेयर करिएगा। सीएमओ का सीजीओ नंबर है, उस पर कोई भी कॉल किसी भी समय कर सकता है। अब बता सकते हैं, मैं अभी आपको बता दूंगा कि क्या नंबर है। सीयूजी नंबर है, सभी को जानकारी है, वो कहीं से भी मिल सकता है। आप किसी भी वेबसाइट मतलब उस पर गूगल पे सर्च करेंगे सीएमओ सहारनपुर का, तो सभी ढूंढ सकते हैं, कोई ऐसा वो नहीं है। तो ये कार्रवाई रहेगी, कैडी कार्रवाई रहेगी, तो सरकार की मंशा इस तरह की जाए तो सीएमओ साहब जाए अपने जो आपके अधिकार है उसका पूरा पूरा प्रयोग करते हुए जाए, इसको क्या ब्रेक लगाने का कार्य किया जाएगा? देखो, हमारी मंशा ये है कि जनपद में जो जितने भी हमारे मतलब पब्लिक को स्वास्थ्य में अच्छा सेवाएं मिले और उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ ना की जाए, यही हमारा प्रयास है और इसी के तहत कार्रवाई करने की कोशिश करेंगे। सर, एक सवाल बाहर से आया निकल के, बाहर तमाम लोग जमे हुए हैं, उनका कहना है कि जय कोरोना काल में हम योद्धा थे, अब सरकार हमें झोला छाप बता रही है, क्या कहना चाहेंगे सर आप उनकी बातों पर? देखिए, इसमें कहना यही है कि कोरोना योद्धा बिल्कुल थे और जिन्होंने कोरोना में काम किया वो बिल्कुल कोरोना योद्धा रहेंगे, लेकिन उसमें मेरा जैसा मैंने पहले ही कहा था कि कोरोना योद्धा कोरोना काल में भी बहुत सारी पैथी में काम हुआ है और सब तरह के, चाहे वो बीएमएस के तरीके से मतलब आयुर्वेद तरीके से हुआ, यूनानी तरीके से हुआ, होम्योपैथी तरीके से हुआ, होल्योपैथी तरीके से हुआ, हर फील्ड में हर कोई योद्धा था। लेकिन कार्रवाई की तब बात आती जब वो अपनी पैथी से हटके दूसरी पैथी में काम करते हैं, तो तब एक, क्योंकि मैं जिस चीज़ का स्पेशलिस्ट हूँ, मान लिया मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर का काम तो नहीं कर सकता, मैं डॉक्टर का ही काम कर पाऊँगा, तो ये एक रहता है कि भाई अपनी पैथी में काम करें तो वो योद्धा ही रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारे साथ में जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी सहारनपुर, इनका कहना है कि सरकार की मंशा के अनुरूप जाए कार्रवाई की जाएगी, फिल्टरनेशन किया जाएगा पूरे जनपद भर में, हालांकि ये टारगेट सीमा में नहीं बांधा जा सकता, समय समय पर जाकर जाए पूरे 11 ब्लॉकों में गांव दर गांव जाकर टीम जाएगी, झोला छाप को बाहर निकाला जाएगा, प्रैक्टिस नहीं